Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome back, viewers.
आर ए, तो आपके पास जो आर बी वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5i + 7j, इसमें से आपने माइनस कर देना है जी ए वेक्टर 2i + 3j। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5 - 2, आपके पास 3i + 7 - 3, आपके पास 4j आ जाएगा। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब आपके पास दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं, फोर्स वेक्टर भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो आपने फाइंड करना है वर्क। तो W जो है वो आपके पास होगा F.D। तो फोर्स आपको गिवन है वो है 2i + 3j, जबकि आपने डॉट प्रोडक्ट लेना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि आपने अभी भी फाइंड किया था 3i + 4j के साथ। तो ये इन कंपोनेंट फॉर्म हमने देखा था, जब कभी i डॉट i आएगा तो वो 1 होगा, तो आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 आपके पास आ जाएगा 6, जबकि 3 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 12, और 12 + 6 आपके पास आ जाएगा 18। तो 18 जूल्स आपके पास जो है वो वर्क हो रहा है। तो व्यूअर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट लेते हुए हमने 2i को 4j से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि i डॉट j 90° एंगल बनेगा और ये आपके पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि ये 18 जॉल जो आंसर आया है ये एक स्केलर प्रोडक्ट था, इस वजह से आपके पास इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड आई है, डायरेक्शन नहीं आई। जबकि जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो आपके पास हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आंसर में आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आती है।